लेकिन साहब एक बार आपका मन मिलेगा तो मैं आपकी माटी के एक नाम को आपके बीच में आमंत्रित करूंगा, जिनको सब अर्जुन अल्हड़ के तौर पर जानते हैं, चेचट से हमारे बीच में आते हैं। एक बार पूरे सदन की तालियां उठें, मैं उन्हें अपने बीच में आमंत्रित करता हूं, पूरे मन के साथ वे आएं। और मैं माइक पे आया, आप तो सब ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे मेरा काव्य पाठ नहीं किसी का अंतिम संस्कार कर रहा और आप सभी उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। ताली बजाओ एक बार जोरदार कि जय हो माता जननी जगत की भवानी, तू ही वीणा वादिनी भी तू ही महारानी है। चार पंक्तियां माँ भगवती के श्री चरणों में, नवरात्र के पवित्र दिन चल रहे हैं, मंच का पहला कवि होने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए निवेदन करता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि जय हो माता जननी जगत की भवानी, तू ही वीणा वादिनी भी तू ही महारानी है। भूल को विसार दे माँ, मुझे थोड़ा प्यार दे माँ, रसहीन तुझ बिन मेरी जिंदगानी है। मुनियों ने मानी माता, गुनियों ने जानी तुझे, अल्हड़ ने लेखनी में महिमा बखानी है। तो शब्द ज्ञान के भंडार कामा खोल द्वार, आज झालावाड़ वासियों को कविता सुनानी है। शब्द ज्ञान के भंडार कामा खोल द्वार, माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। और जिस दरबार में मैं खड़ा हूँ मित्रों, चार वर्ष पहले मैं इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आया था। मैंने बाबा से एक बार निवेदन किया कि बाबा काश इस मंच पर मैं भी कविता पढ़ूं। चार साल में बाबा ने मेरी सुन ली है, आपकी भी निश्चित सुनेंगे। इस पवित्र प्रांगण में खड़ा होकर, पवित्र मंच पर खड़ा होकर के चार पंक्तियां सच्चे दरबार के लिए निवेदन करता हूं कि हर निगाह में बाबा तुमसा प्यार ना मिला, जुबाने लाखों ने खोली मगर सच्चा इजहार ना मिला। अरे यूं तो काम बने हैं मेरे जमाने में कई जगह, पर सच कहता हूँ राड़ी वाले बालाजी, मुझे कहीं पर तुमसा कोई दरबार ना मिला। बाबा को प्रणाम करता हूँ, मंच पे विराजमान तमाम कवियों को प्रणाम, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और राहुल भैया आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ, क्योंकि आज के हमारे डेरा प्रमुख आप ही हो। हाँ देखो, आनंद और मजे का काम है अपने पास, कोई ज्ञान व्यान का काम अपने पास नहीं है। ज्यादा प्राण बिल्कुल आपके मैं नहीं पीऊंगा और उसमें ज्ञान व्यान का मामला ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि अपन 4G 5G के जमाने में जी रहे हैं और आज के जमाने में आप ज्ञान की स्थिति और ज्ञान देने वालों की स्थिति आप देख रहे हो, वो 2-3 बाबा जेल में पड़े हुए हैं। हाँ अच्छा देखो, आपका ठहाका इसलिए मिलना चाहिए कि वो 3 बाबा जो जेल में पड़े हैं वो मूलतः राजस्थान के ही है। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। आप आनंद और मजा लेकर के तब बहुत शानदार मंच है, बच्चे तक कविताएं सुनने आया, मैं प्रणाम करता हूँ। हालांकि इनको ये आए नहीं है, इनको भेजा गया है, जाओ कवि सम्मेलन सुनो। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए ना, बेवकूफ थोड़ी है जो आएंगे। आनंद लो, मजा लो, मस्ती का कवि सम्मेलन, मस्ती का। आप देखो, अब बाबा के दरबार में आज कवि सम्मेलन हो रहा है, आप सभी आए हो, काय के लिए आए हो, मजा लेने के लिए। मुझे यहाँ पर बुलाया महावीर सेवा दल वालों ने, काय के लिए, मजा देने के लिए। तो झालावाड़ वालों, मजे की ऐसी स्थिति है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम, सही बात बता रहा हूँ मैं। हस जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पा रहे और बुढ़ापे में दिग्विजय सिंह जी और आसाराम बापू ने ले लिया। मजा लो, मस्ती के साथ में सुनो। और अब तक जिनकी तालियां नहीं बजी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमरों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। ऐसा मजा कहीं से भी नहीं कराता, सही कह रहा हूँ मैं। ये हमारे राहुल भैया, बहुत दिन तक इनकी शादी नहीं हुई, ये कहने लगे अर्जुन अल्हड़ दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा बेटा, कोई जुगाड़ हो तो बता। अरे मैंने कहा भाई साहब, इस देश में दो ही चीजें सकते हैं, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी, या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले यार बाबा वाला आइडिया ठीक है,
ये चले गए एक बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिलेगा। ये बोले बाबा लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब ये टैलेंटेड और आए भी वहां से, ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल राहुल अवस्थी सिंह फर्नांडिस। भाई साहब बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले कि ये ज्यादा ही सयाना बन रहा है, इसका मायावती के साथ गठबंधन करवा दो। मेरी खुद की शादी नहीं हुई भाई साहब बहुत दिन तक। अपन भी गए बाबा के पास, वहां पर बाबा शरीर में आते थे और चबूतरे पर स्थान बना हुआ था और दुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन, ताली बजाओ नहीं तो ढोल ही बजते रहने, बाबा अवली आएंगे। गन गना गन, जैसे बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो चार है, तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, तीन नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा सात। इस सात महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नहीं है, बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है, तेरा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, चल निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो मैं चबूतरे पे बैठ के देवता हुआ था। तो अपनी व्यवस्थाएं नहीं जमाते क्या? हाँ लेकिन तमाम काम भाई साहब, हाँ कुछ बाबाओं ने कर गड़बड़ कर रखी है, लेकिन मित्रों माँ भगवती के इस पवित्र मंच पर कहता हूँ मैं, कुछ संतों के बिगड़ने से पूरा संत समाज नहीं बिगड़ सकता। साहब मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और आज भी सच्चा संत यदि अंजुली में गंगा जल भर के शापित मुद्रा में खड़ा हो जाए तो तीनों लोक के देवी देवता त्राही माम करते हुए चरणों में आ गिरते हैं। सच्चा संत कि जिसकी जिसकी अंजुली के केवल जल से, जिसकी अंजुली के केवल जल से तीनों लोक थर्राते हैं, सत्ता के शीर्ष किरीट सदा जिन चरणों में झुक जाते हैं, जिनके चरणों की पदरज नारायण वक्ष स्थल पर लगाते हैं, जिनके सत्संकल्प बिना मनु सृष्टि न रच पाते हैं, अरे जिनका हर एक शब्द मंत्र वाक्य ग्रंथ कहलाते हैं, ऐसे सद्गुरु के चरणों में हम भी शीश झुकाते हैं। अच्छा क्या भाई साहब, लेकिन ऐसे मिल नहीं रहे। हाँ वो तीन, वो दो बाबा अंदर थे बापू और रामपाल, तीसरे फिर नए वाले चले गए राम रहीम। तो दो जो अंदर थे उन्होंने तीसरे वाले से पूछा, बापू ने पूछा राम रहीम से, बता मेरे राम रहीम रे क्यों घने दिना में आए, बता मेरे राम रहीम रे क्यों घने दिना आश्रम में गंदा काम कर्या। अच्छा राम बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा, बाबा खुद पकड़ा गया। वो भी मस्ती के चक्कर में आश्रम में गंदा काम कर्या। अच्छा राम का नाम बदनाम कर्या, अच्छा फंस गया तुम भी अंदर रे क्यों घने दिना में आया। ठाका लगाना ताली बजाना, राम रहीम ने जो बापू को जवाब दिया, उन्होंने कहा इतने दिनों में क्यों आया, तो राम रहीम ने बापू को कहा कि बापू तने मारे पे भरोसो नहीं के, यानी कि मैं आई तो रहा था, तो आनंद और मजे का काम है, मस्ती का काम है। लेकिन मित्रों मैं इस मंच पर कहना चाहता हूँ, तमाम बड़े कवि आदरणीय सत्संग दादा बैठे हुए, विष्णु भाई साहब बैठे हुए, ये सारे कवि जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है, दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मैं।
और सत्तन दादा तो ये मानिए कि महादेवी वर्मा और बच्चन साहब से हरिवंश राय बच्चन जी से लेकर अर्जुन अल्हड़ यानी कि वाचिक परंपरा की सातवीं पीढ़ी तक हमारा साथ हमारा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब ये मानिए ये इतने पुराने कवि हैं, इतने पुराने कवि की इनकी उम्र के कछुए निकल लिए। लेकिन मैं अगर इनसे मेरा संबंध है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रजापति स्वाम पर पिता महश्य ये ब्रह्मा जी के भी दादाजी हैं। और हम चाहते हैं, लेकिन एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूँ साहब, ग्लैमर की दुनिया को अहंकार होता है, फिल्म सिटी की दुनिया को कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट की दुनिया को गर्व होता है उनके पास सचिन तेंदुलकर है, तो हम कवि सम्मेलन की दुनिया को ये फक्र होता है, ये गर्व होता है कि हमारे साथ पंडित सत्यनारायण सत्यन जी का आशीर्वाद है। इन सभी से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। सही बता रहा हूँ, तमाम बड़े कवि बैठे हुए, लेकिन सीखने में कभी कभी समस्या हो जाती है। एक दिन सुनील भाई साहब ने मुझसे कहा कि अर्जुन तू गांव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की, तेरे गांव में किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले तो बेटा जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कसके रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं बच जाएगा। सर्विताय पुण्याय पापाय पर पीड़नम की हमारी संस्कृति है बेटा, तू इसका ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। यहाँ मैंने कहा पुण्य कमाओ, अपन ने कसके रस्सी बांध दी, यहाँ 15 दिन में डोगरी की फाइल चल रही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेल से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो अपन झालावाड़ निकल लिए। तो आनंद और मजे का काम है कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में, जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्हड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को मैं समझ रहा हूं तुम्हारे लक्षण। हाँ, अपन सब एक ही माजने के अपन सुधर ही नहीं सकते। अपन ने स्कूल में प्रतिज्ञा करी है कि मैं इस देश के योग्य होने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूंगा, कभी होऊंगा ही नहीं। वो प्रयत्न करने में अपने बाप का कुछ जा नहीं रहा। हाँ, लेकिन बेबी को ट्रेवल से जा वापस वैसे ही कर दो भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कवियों की बात को सीरियस मत लिया करो। सही बता रहा हूँ भाई साहब, एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन था, उसने माइक वाले पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि इसका बेस कम करो, टेबल कम करो, मॉनिटर स्क्वाइट पे जो साउंड फेंक रहा उसको लाउड करो, माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। अब गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में ही था। रात के 12 बजे घर चला गया, जाके बोला कि ए जी सुनो दरवाजा खोलो मैं आ गया। तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ, वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो सुबह तक आएंगे। आपके हिसाब से करो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा भेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा एस पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां इतनी नहीं मिली जितनी मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैं फिर निवेदन करता हूं, 2 नाम जो कि मेरे आइडल हैं, मेरे हीरो हैं, आपके मन में भी उनके प्रति श्रद्धा हो। कल हमने शहीद दिवस मनाया, अगर थोड़ी भी श्रद्धा हो तो पीछे तक हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूँ। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूँ, बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा एस पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। लेकिन अपना आप इतना लोड मत लेना,
हाँ अपना मामला क्या है कि अपना ऐसा है कि मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई, इतने खत लिखे कमीनी को की रद्दी बेच कर ही अमीर हो गई। अपना देखो अपन क्या है कि बाहर से कितने ही स्वामी विवेकानंद बन जाए लेकिन भीतर तो बापू ही फंसे हुए हैं। आप तो आनंद लो और मजा लेकर के सुनना कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुमारा, थोड़ा वाहवा करो मतलब ऐसे मत सुनो जैसे दंडकारण्य वन में 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। वाहवा करो करने से होगा, बाबा रामदेव जी नहीं बोलते है क्या? छोरी को देखकर यही कहता है हर कुमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। आपका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा है मतलब ये झालावाड़ वाले इतने टैलेंटेड भाई साहब, कहीं शादी ब्याह में चले जाए बैंड और डीजे ढंकानी बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस करने के ये मस्ती वाले लोग है। इनकी ऐसी मस्ती है कि एक छोरा ने छोरी सु आंखियां लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख कर पर्ची छोरा ही पकड़ाई। आपके समझ में आ रही नहीं आड़ोती आएगी से तुम कौन से होलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो? मस्ती लो बस, एक छोरा ने छोरी सु आंखियां लड़ाई, छोरी ने मोबाइल नंबर लिख कर पर्ची छोरा ही पकड़ाई, छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि सही डाल तो रिजे टेम टू टेम टूकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा कुकड़ो रे कुकड़ो। लेकिन छोरियों का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ये बैलेंस झालावाड़ वालों से डलाएगी, फोन कोटा वालों के लगाएगी, मिलने के लिए जयपुर निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ भाई साहब, हकीकत मान विश्वास कभी मत करना। सही बोल रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी, एक दिन करीब आई दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल लेकिन सलड़ गई फाइल, हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। कोई भरोसा ही नहीं भाई साहब, छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए संस्कार भूल गए, भूल गए नानी की कहानी, अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठा कर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटा कर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी, न मुन्नी की बदनामी है। बहुत अच्छे भाई, अच्छे तो क्या ये वीरस है और क्या। हाँ भाई साहब वीरस का मामला ऐसा, साल में 2 दिन का कार्यक्रम 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ तेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मैंने कहा क्यों रे भाई 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? मेरे गाँव में तो एक जुलूस निकल रहा भाई साहब, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा कौन, वो पीछे छोरे आ रहे हैं बोले कि हम करेंगे हम। मैंने एक छोरे से कहा कहाँ है देश, तो कहा भाई साहब जाता रहा आगे आगे। छोरों ने नारा लगाया हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। लेकिन ये वीरस का काम भाई साहब, सही बता रहा हूँ, प्रत्येक प्राणी में 9 रस होते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हर व्यक्ति में 9 रसों का समावेश होता है, लेकिन कौन सा रस कब जागृत हो जाए मेरे जैसा कभी ये समझ नहीं सका। सही बता रहा हूँ, मेरी तो क्या है भाई साहब, पहली बार शादी हुई, ये बहुत सालों की 4-5 बार हो जाती है उसमें क्या। देखो सुहाग रात का सीन,
कौन सा रस कब जाग, ये मत करो मैं सचित्र वर्णन नहीं कर रहा हूँ, सुनो। कौन सा रस कब जाग रहा है, मैं कमरे में घुसा, पत्नी पलंग पर बैठी हुई थी, टेबल पे दूध का गिलास, मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, माथे पे साफा शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब जैसे तलवार पे नजर गई, वीरज जाग गया भाई साहब, अपन तो राजस्थान के 24 घंटे डील में महाराणा प्रताप घूमते रहते हैं। और मैंने तलवार निकालकर लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, भालों के लक्ष्य बदल जाते हैं, और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो बेहोश हो गई। चार दिन तक होश नहीं आया, पांचों दिन उधर से लेने वाले आ गए, जगा वीर रस। तो ये मतलब वीरस का काम है, लेकिन आप तो आनंद ले रहे हो, मजा ले रहे हो। और मजा मैं बताऊं भाई साहब, मेरे गांव में क्या एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का वो क्या बोलते हैं, कंडा, कंडा। हमारे यहाँ अंग्रेज मेरे यहाँ आया कि तुम्हारे यहाँ, उसने वो हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, उसने वो देखा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि होलैंड पोलैंड में कंडे होते ही नहीं है। पास में काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे, अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी आती थी थोड़ी थोड़ी मेरी तरह, काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला कि होलैंड पोलैंड में, अंग्रेज बोला व्हाट कंडा, काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला कि हाउ डू इट काउ एंड वाल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला व्हाट थापा, काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा, काका जी वो तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने इधर मुंडी करी और तीन रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। तो ये अंग्रेजी का काम भाई साहब, सही बता रहा हूँ। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। तो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा प्रो मिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा इलाज फिरोंडा। और जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। लेकिन मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें ये सब क्यों करना पड़ता है। हमने कल शहीद दिवस मनाया, आपके चेहरों की मुस्कुराहटें कम हो गई है, आप चाहे मेरी बातों पर हंसे या मुझ पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन की हम हंसना भूल गए हैं, जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। दो कोड़ी का एक आतंकवादी हमें धमकी देता है, हाफिज सईद ने कहा कि क्या सोचा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसने कहा कि हम भारत से बदला लेंगे। आपकी मिट्टी के छोटे से बेटे ने जवाब दिया, ठीक लगे तो आशीर्वाद देना तालियों के माध्यम से। मैंने कहा हाफिज सईद क्या सोचा, सरहद पर खड़े शेरों को आसानी से धो दोगे, हमने सरहदों पर शेर खड़े कर रखे हैं, और जब तक हमारे शेर वहां खड़े हैं किसी लकड़बग्घे की औकात नहीं है कि भारत में आके बम विस्फोट कर दे। मैंने कहा हाफिज सईद क्या सोचा, सरहद पर खड़े शेरों को आसानी से धो दोगे, अरे महाराणा की कसम खून के आंसू अब के रो दोगे, और भारत से बदला लेने वालों कान खोल कर सुन लेना, कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची खो दोगे। हमारे देश की सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तो उधर से नवाज शरीफ ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी भारत की सेना हमें घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन, तो कहे मैं नवाज शरीफ। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने कहा कि बेटे कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है, वो बोला कि सुना बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, कि कभी पाकिस्तान लाए हो, कि कभी नहीं लाए, कि बेवकूफ कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जा उसको लाहौर कराची में लहरा दे, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। मैंने कोई कविता नहीं लिखी पाकिस्तान पर, लेकिन मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान एक प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाता है, आपको ठीक लगे निवेदन करता हूँ कहाँ पर क्या बनना चाहिए, एक पूरा हिंदुस्तान प्लाट जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के दो अवैध बाड़े,
ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए ठीक लगे आशीर्वाद देना। निवेदन करता हूं कि राजस्थान राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। कहां पर क्या बनना चाहिए एक नक्शा पूरा हिंदुस्तान, एक मकान का नक्शा मैं आपसे जचवाना चाहता हूँ, ठीक लगे आशीर्वाद देना कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे, और चीन में बनेगा बाथरूम नाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाएंगे। क्योंकि साहब हमारे जवान जब तिरंगे में लिपट के आते हैं किन पीड़ाओं को वो सहन करते हैं, आपने ठहाके लगाए मेरी लाफ्टर की लफाजी पर खूब तालियां दी, सुनील भाई साहब मुझसे भी ज्यादा हंसाएंगे, लेकिन मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि माना माना जरूरी है जिंदगी में हंसना और हंसाना, माना जरूरी है इंसान को गमों में मुस्कुराना, पर जिन शहीदों ने सरहदों पर अपने प्राण दे दिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसे शहीदों की चिताओं पर श्रद्धा पुष्प चढ़ाना। हमें थोड़ी सी ठंड लगती है हम कोट पहन लेते हैं, गर्मी में कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर हर मौसम से बेखबर हमारा भाई हमारा बेटा वहाँ पर रक्षा करता है हमारी। निवेदन करता हूँ किन पीड़ाओं को वो सहन करता है कि आग आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर सो सो बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को, ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो। मोदी जी से कहना चाहता हूं मैं ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो, गांधी गौतम का गया जमाना भगत सिंह आह्वान करो, रणचंडी के खप्पर में हरी मुंडो की भेंट धरो, गीदड़ से क्यों भय खाते हो शेर हो तुम खेत करो, पांच जन्य फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो, और पाकिस्तान की तमाम बदतमीजों का समाधान दो पंक्तियों में ठीक लगे तो इस सबसे पहले कवि को आशीर्वाद देकर के विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो, हो युद्ध निर्णायक की अंतिम, हो युद्ध निर्णायक की अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का आखिर।